हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। नमस्ते सबको। तो आज का हमारा टॉपिक है हैंड वॉशिंग। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे हैंड वॉशिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हैंड वॉशिंग इज़ द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज। हैंड वॉशिंग एक सिंगल ऐसा प्रोसेस है, मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, जो कि जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से बचाता है और हम लोगों को कोई डिजीज होने से भी बचाता है। गुड हैंड वॉशिंग कैन प्रिवेंट डिजीजेस सच एज शिगेलोसिस, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकल डिजीजेस, इन्फ्लुएंजा एंड द कॉमन कोल्ड। अगर हम लोग अच्छे से हैंड वॉशिंग करते हैं तो ये सब हम लोगों को शिगेलोसिस, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकल, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड ऐसे डिजीजेस से बचाता है। शिगेलोसिस होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, जिसमें कि डायरिया होने का भी प्रॉब्लम होता है इससे। ई कोलाई भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे हैंड वॉशिंग का। हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग वंस हैंड विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ वाटर और अनदर लिक्विड और विद द यूज़ ऑफ सोप फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग सॉइल, डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैंड वॉशिंग को हम लोग हैंड हाइजीन भी बोलते हैं। ये एक ऐसा क्लीनिंग का प्रोसेस है जिससे हम लोग के अपने हाथ को क्लीन करते हैं, पानी यूज़ करके या बिना पानी के भी, या फिर कोई लिक्विड यूज़ करके या कोई सोप यूज़ करके हम लोग क्लीन करते हैं। और हाथ क्लीन करने का पर्पस ये होता है कि हाथ से जो सॉइल लगे हुए हैं या कोई गंदगी है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम लोग के हाथ से, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। हैंड वॉशिंग इज़ ऑल्सो नोन एज हैंड हाइजीन। जैसा कि मैंने बताया, हैंड वॉशिंग को हैंड हाइजीन भी बोलते हैं। फिर अब देखेंगे पर्पस क्या होता है हैंड वॉशिंग हम लोग क्यों करते हैं। पहला है रिमूव द नेचुरल बॉडी ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम द स्किन। हम लोग के बॉडी से जो नेचुरल बॉडी ऑयल निकलता है या फिर कोई डर्ट है हम लोग के स्किन पे, वो रिमूव हो जाता है। रिमूव ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोज नॉर्मल्स पिक्ड अप बाय द हैंड इन द यूजुअल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। ट्रांजिएंट माइक्रोब्स उसको कहते हैं जो कि हम लोगों के बॉडी में टेम्प्रोरी आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म परमानेंटली नहीं आता है। जो टेम्प्रोरी आता है उसको ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो कि हम लोग अगर हैंड वॉशिंग करते हैं तो जो हट जाता है हम लोग के बॉडी पे से। रिड्यूस द नंबर ऑफ रेसिडेंट माइक्रोब्स दोज नॉर्मली फाउंड इंक्रीज ऑफ द स्किन। हम लोग के स्किन पे कुछ भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर रहा है तो उसको भी उसके नंबर को कम करता है। प्रिवेंट द क्रॉस कॉन्टामिनेशन अमॉन्ग क्लाइंट्स, हम लोगों के इन्फेक्शन से कॉन्टामिनेशन होने से भी बचाता है। प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, फ्रॉम नर्स टू नर्स। पेशेंट से या नर्स से जो कॉन्टामिनेशन होने का डर है, जो ट्रांसमिशन होने का डर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो उससे भी प्रिवेंट करता है हैंड वॉशिंग। अब देखते हैं हैंड वॉशिंग कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, पहला होता है मेडिकल, दूसरा होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो आइए पहले देखते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग का डेफिनेशन। हैंड वॉशिंग इज़ अ विग्रस ब्रीफ रबिंग टूगेदर ऑफ ऑल सर्फेस ऑफ हैंड्स लेदर्ड इन सोप फॉलोइंग बाय मिक्सिंग अंडर अ स्ट्रीम ऑफ वाटर। हैंड वॉशिंग, मेडिकल हैंड वॉशिंग एक ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग दोनों हाथों के सरफेस को, पूरे सरफेस को अच्छी तरह से रगड़ते हैं सोप से और पानी से धोते हैं। इसको बोलते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग। इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन हैंड फ्री ऑफ विजुअल सॉइलिंग, अपने हाथ को विजुअल गंदगी जो दिख रहा है उससे फ्री करने के लिए। आर्टिकल्स क्या क्या लगते हैं? सोप ऑफ रनिंग वाटर, सोर्स ऑफ रनिंग वाटर, सोप सिंक, पेपर ऑफ क्लॉथ टॉवल्स। एक पानी होनी चाहिए जैसे सिंक वगैरह, टैप वैप हो गया, फिर सोप होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, पेपर और क्लॉथ टॉवल होना चाहिए। अब प्रोसीजर क्या है? पहले तो हम लोग अपना नेल देखेंगे कि अगर नहीं कटे हुए हैं तो उसको काट लेना है। फिर ज्वेलरी कुछ भी पहने हुए हैं, अंगूठी या ब्रेसलेट या घड़ी वगैरह, तो उसे भी निकाल देना है। उसके बाद रनिंग वाटर के नीचे हाथ को भिगोना है, फिर सोप अप्लाई करना है, फिर हाथ को, दोनों हाथों को रब करना है एक मैनर में, पहले पाम, फिर फिंगर, फिर बेवस फेस, बैक टू हैंड्स, फिर फिंगर्स और नकल्स को, फिर थम्स को, फिंगर टिप्स को, रिस्ट से फिर एल्बो की तरह जाना है। इसको हम लोगों को 15 सेकंड तक कंटिन्यू करना है। फिर रनिंग वाटर के नीचे हाथ धो लेना है और फिर उसको टॉवल या पेपर टॉवल से सुखा लेना है और फिर टॉवल जो है उसको डिस्कार्ड कर देना है। ये देखिए स्टेप्स हैं, पहले पानी के नीचे हाथ भिगोना है, फिर सोप अप्लाई करना है, फिर पहला स्टेप है रब हैंड पाम्स टू पाम इन अ सर्कुलर मोशन, पाम से पाम
हैंड को रब करना सर्कुलर मोशन में, फिर दूसरा है क्लीन द बैक ऑफ ईच हैंड विद द पाम ऑफ योर अपोजिट हैंड, एक दूसरे हाथ का मतलब बैक रहना चाहिए और एक हाथ का पाम रहना चाहिए और उसको रब करना है। फिर तीसरा है स्क्रब बिटवीन योर फिंगर्स बाय इंटरलैकिंग योर फिंगर्स एंड रबिंग बैक एंड फोर्थ, अपने फिंगर को इंटरलॉक कर लेना है फिंगर्स के बीच में और फिर उसको बैक एंड फोर्थ रब करना है। फिर चौथा है क्लीन द बैक ऑफ योर फिंगर्स बाय रबिंग योर इंटरलॉक फिंगर्स इनटू योर पाम, रिपीट फॉर बोथ हैंड। फिर बैक ऑफ द फिंगर्स से रब करना है फिंगर्स को इंटरलॉक करके पाम से, और ये दोनों हाथों में फिर रिपीट करना है। फिर स्टेप फाइव है क्लीन अराउंड ईच थंब विथ योर अपोजिट हैंड, फिर दोनों हाथों के थंब को भी क्लीन करना है। स्टेप सिक्स है रब योर फिंगर टिप्स इनटू द पाम ऑफ योर अपोजिट हैंड, रिपीट फॉर बोथ हैंड। फिर हम लोग को फिंगर टिप्स को अपने पाम में रब करना है दोनों हाथों में, ऐसे ही रिपीट करना है। फिर स्टेप सेवन है वॉश ईच रिस्ट विथ योर अपोजिट हैंड, फिर दोनों रिस्ट को भी अच्छे से वॉश कर लेना है दोनों हाथों से। तो ये हो गया हम लोग का सेवन स्टेप्स ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग। अब देखते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग का डेफिनेशन। सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज़ अ प्रोसीजर बाई विच डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड इन रिमूव फ्रॉम हैंड्स एंड फिंगर्स बाई केमिकल एक्शन एंड मैकेनिकल फ्रिक्शन बिफोर फ्रॉम सर्जरी। हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम लोग डर्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। अपने हाथों को हैंड वॉशिंग करके, कोई केमिकल्स यूज़ करके भी हम लोग हैंड वॉशिंग कर सकते हैं सर्जरी के पहले। फिर पर्पस है रिमूव एज मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हैंड एज पॉसिबल बिफोर द स्टेराइल प्रोसीजर। हम लोगों को सर्जिकल में मतलब कोई सर्जरी करने जाना है तो उससे पहले हम लोग को हाथ अच्छे से मतलब कि हैंड वॉश कर लेना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे हाथ पे ना रहें और फिर कोई इन्फेक्शन ना फैले। आर्टिकल्स इसका क्या क्या है, वार्म रनिंग वाटर, एंटीसेप्टिक सोप सॉल्यूशन, हैंड वॉश स्टोर्ड इन अ स्टेराइल कंटेनर, ट्रांसफरिंग फोर्सेप्स, स्टेराइल टॉयल। फिर गर्म पानी होना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉप सॉल्यूशन होना चाहिए, हैंड ब्रश होना चाहिए, ट्रांसफरिंग फोर्सेप्स होना चाहिए, स्टेराइल टॉवल होना चाहिए। आर्टिकल्स हो गए, ये सब प्रोसीजर देखेंगे। इसमें भी हम लोग देखना है कि हमारा नेल छोटा है कि नहीं, अगर छोटा नहीं है तो उसे काट लेना है, क्लीन है, हेल्दी है, नेल पॉलिश नहीं रहना चाहिए। फिर अगर कोई ज्वेलरी पहने हुए हैं, रिंग्स, ब्रेसलेट या वॉच वगैरह, तो वो भी निकाल देना है। फिर अपने पहले तो पीपी किट पहन लेना है जिसमें कि आप सू कवर पहनना है, कैप पहनना है, फेस मास्क पहनना है, प्रोटेक्टिव आईवीआर पहन लेना है। उसके बाद फिर ब्रश निकालना है और एंटी माइक्रोबियल सॉप निकालना है। फिर अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में जो होता है स्टेराइल ब्रश रहता है स्मॉल बिन में रखा हुआ, उसको निकाल लेना है। फिर एक ट्रांसफरिंग फोर्सेप लेना है और उसे मतलब हाथ से नहीं निकालना है, स्मॉल बिन से, स्टेराइल बिन से उस ट्रांसफॉरिंग फोर्सेप की मदद से निकाल लेना है ब्रश को। फिर वाटर को ऑन करना है और देखना है फ्लो उसका सही है कि नहीं और पानी गर्म आ रहा है कि नहीं। उसके बाद वार्म वाटर जो है हमारे बॉडी से ऑयल को अच्छी तरह से निकाल देता है, इसलिए वार्म वाटर यूज़ करना है। वेट हैंड्स एंड आर्म्स कीप्स हैंड अबव एल्बोज, फिर वेट हाथ को भिगाना है और एल्बोज तक भिगाना है। फिर उसके बाद ब्रश से स्क्रब करना है और उसके बाद एंटी माइक्रोबियल सॉप लगा के ब्रश से उसको रगड़ना है। फिर एनाटॉमिक टाइम स्क्रब स्टार्टिंग विथ फिंगर टिप्स, इसमें भी पहले फिंगर टिप से स्टार्ट करेंगे। नेल्स हो गया, फिंगर्स हो गया, वेबस पेच हो गया, पाम हो गया, डोर्सल सरफेस हो गया, फोर आर्म हो गया, सारे को रगड़ना है 5 मिनट तक। फिर स्क्रब विगरसली यूजिंग वर्टिकल स्ट्रोक्स इन अ सर्कुलर मैनर, और सर्कुलर मैनर में स्क्रब करना है और दोनों हाथों में रिपीट करना है ऐसे ही। फिर उसके बाद रिंस हैंड थ्रूली अंडर वार्म वाटर, फिर हाथ को गर्म पानी के नीचे धो लेना है और एल्बो तक धोना है, दोनों एल्बो तक। कीप हैंड्स हेल्ड अपवर्ड टू अलाउ वाटर टू ड्रिप फ्रॉम द हैंड टू एल्बो, हाथ को थोड़ा ऊंचा रख के ही धोना है ताकि पानी एल्बो तक आ सके और आप धो सके। उसके बाद फिर हाथ को सुखा लेना है स्टराइल टॉवल से। ये देखिए प्रोसीजर, पहले टैप खोला गया है यहाँ पे पानी एडजस्ट करने के लिए। फिर हम लोगों को अपने हाथ के पाम में इंटरलॉक फिंगर से मतलब कि रब करना है। उसके बाद फिर यहाँ रिस्ट को रगड़ना है, स्क्रब करना है, फिर रिस्ट से थोड़ा ऊपर, फिर यहाँ पे एल्बो के पास पूरा, उसके बाद रगड़ के फिर यहाँ पे धो लेना है। ये स्टेप सिक्स है सर्जिकल हैंड वॉशिंग का। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।